सतगांव प्रखंड में छठ व्रत पिछले कई वर्षों से भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। शुरुआती दौर में पहले कुछ ही लोग छठ पूजा किया करते थे। आस्था पूरे सनातन परिवार में बढ़ता चला गया और आज सतगांव के घर घर में यह महापर्व मनाया जा रहा है, जिसमें उगते सूर्य और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, जिसमें विशेष रूप से प्रसाद स्वरूप गेहूं का ठेकुआ बना हुआ प्रसाद रूप से चढ़ाया जाता है। साथ ही प्राकृतिक रूप से मिलने वाला फल कंदमूल आदि चढ़ाया जाता है। सकरी नदी में आस्था की डुबकी लगाते हुए श्रद्धालुओं ने जल अर्पण करते हुए उगते सूर्य को अर्घ्य दिया। वहीं मौसरमा घाट पर प्रमुख प्रतिनिधि रामवतार चौधरी, मुखिया सदानंद कुमार आदि मौजूद रहे। क्या नाम हुआ आपका? ये बताइए कि आज छठ पर्व को लेकर के आज प्रातः काल में सूर्य भगवान को आज अर्घ्य दिया गया है, तो छठ पर्व को लेकर के आप क्या जानते हैं? छठ पर्व हमारा सबसे बड़ा सूर्य भगवान का पर्व है, जो कि आस्था का पर्व है। और सूर्य हमारे धार्मिक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से दोनों ही दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। ये किसी जाति पाति किसी को नहीं जानते हैं, हर के ऊपर उनका एक दृष्टि, चाहे कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको समान दृष्टि से ये देखते हैं, इसलिए सबसे महान कहे जाते हैं। और वैज्ञानिक दृष्टि से इनसे विटामिन डी निकलता है, जो कि चर्म रोग सबसे पहले ठीक होता है। सूर्य के एकाग्र भाव से जब हम देखते हैं तो मेरा आँख का रोशनी ठीक होता है, मेरा माइंड क्लियर होता है। जब हम अर्घ देने का कारण ये है कि जब हम अर्घ देते हैं तो क्या होता है, उसे रिफ्लेक्ट होकर जो प्रकाश आता है हमारे मस्तिष्क में पड़ता है और हमारा बुद्धि तेज होता है। ये बताइए छठ पर्व कितने दिनों का पर्व होता है? क्या बोले? छठ पर्व कितने दिनों का पर्व होता है? ये 4 दिन का होता है। पूरा कार्तिक से शुरू हो जाता है, साफ सफाई कर दिया, लेकिन ये 4 दिन का होता है। पहले दिन में मतलब पूर्ण संध्या को बोलते हैं, जिसका नाहट का बोलते हैं, जिसका लोहंडा होता है, तो मतलब खरना बोलते हैं, जिसको दूध खीर वगैरह ये सब खाया जाता है। और तीसरा दिन में क्या करते हैं, सूर्यास्त होते हैं ना, उनका अर्घ देते हैं। और चौथा दिन लास्ट का दिन सूर्योदय, मतलब जिसका आस्था बिल्कुल डूब चुका हो वो भी भगवान का प्रार्थना करता है, लास्ट में उसका प्रकाश के साथ उदय होता है। आज चौथा दिन मतलब लास्ट हो गया। चलिए ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? कपिल देव चौधरी। ये बताइए कि आज जो है से छठ पर्व का जो है से लास्ट दिन अर्घ दिया गया सूर्य भगवान को, और तो ये बताइए छठ पर्व को लेकर के आपको मतलब क्या जानते हैं? छठ पर्व को लेकर के यही बोले हैं कि 4 दिवसीय छठ महापर्व काफ़ी लोग सतगावा के लग हर्षोल्लास के साथ मनाए हैं, और चौथा दिन है, सूर्य उगते हुए सूर्य को अर्पण किए हैं और काफ़ी लोग उत्साह दिखे यहाँ पे और बहुत अच्छे से मनाए हैं। जय छठी मैया, जय छठी मैया, जय छठी मैया।